सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। तो आज हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रेस्क्यू रूम इंचार्ज के पास अंडरग्राउंड माइंस में काम करने का जो एक्सपीरियंस है वो कितने वर्ष का होना चाहिए। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 3 ईयर, ऑप्शन बी है 5 ईयर, ऑप्शन सी है 2 ईयर और ऑप्शन डी है 1 ईयर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेस्क्यू रूम इंचार्ज के पास अंडरग्राउंड माइंस में काम करने का। अगला क्वेश्चन है, ट्रेवॉक्स 120 उपकरण के श्वसन बैग की क्षमता कितनी होती है। जो ट्रेवॉक्स 120 है ऑपरेटर है, उसके श्वसन बैग की जो कैपेसिटी है वो कितनी होती है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 6 लीटर, ऑप्शन बी 5 लीटर, ऑप्शन सी है 4 लीटर और ऑप्शन डी है 5.5 लीटर, 5.5 लीटर। तो हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 लीटर हो जाएगा। ट्रेवॉक्स जो 120 है ये ब्रीदिंग अपरेटस है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, रेस्क्यू ट्रेनड पर्सन की नियुक्ति मैक्सिमम कितने ईयर के लिए होता है। इसमें पूछा है जो रेस्क्यू ट्रेनड पर्सन है उसका जो नियुक्ति होगा वह अधिकतम कितने समय के लिए किया जाएगा। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 2 साल के लिए, ऑप्शन बी है 3 ईयर और ऑप्शन सी है 4 ईयर और ऑप्शन डी है 5 साल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 साल के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खान का वेंटिलेशन एफिशिएंसी कोशेंट जिसे हम VEQ बोलते हैं, तो इसको निर्धारण कौन करेगा। वो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइन द वेंटिलेशन एफिशिएंसी कोशेंट। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मैनेजर, ऑप्शन बी है सेफ्टी ऑफिसर, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है वेंटिलेशन ऑफिसर और ऑप्शन डी है असिस्टेंट मैनेजर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेंटिलेशन ऑफिसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, कान के वेंटिलेशन सिस्टम में कोई भी बड़ा परिवर्तन मेजर अल्ट्रेशन करना है तो किसकी परमिशन लेंगे। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है चीफ इंस्पेक्टर, ऑप्शन बी है रीजनल इंस्पेक्टर, ऑप्शन सी है मैनेजर और ऑप्शन डी है वेंटिलेशन ऑफिसर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रीजनल इंस्पेक्टर की अनुमति के बिना कोई भी बड़ा परिवर्तन नहीं करेंगे वेंटिलेशन सिस्टम में। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की और क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियो आपको अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।